उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटें हारने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है। पार्टी के अकाउंट से किए गए ट्वीट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के अध्यक्ष व छोड़कर पार्टी के सभी अन्य संगठन प्रकोष्ठों व जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल प्रभाव से सपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा कदम तब उठाया है जब हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट हार गई। आपको बता दें कि पहले इन दोनों सीटों पर सपा का कब्जा था। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव, वहीं रामपुर से सपा नेता आजम खान सांसद थे, लेकिन इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं ने अपनी सीट खाली कर दी। इसके बाद यह उपचुनाव हुए। गौरतलब है कि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव के नतीजों में भाजपा का जलवा देखने को मिला। दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 11,212 वोटों से हरा दिया, तो वही रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के असीम रजा को 42,000 मतों से हराया। उपचुनाव में सपा की करारी हार के बाद कई सवाल उठने लगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है।